चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आफ्टर सो मैनी डेज आज ऑगी जो है थोड़ी एक्सरसाइज करा है, वो भी इस कंडीशन पे कि अगर थोड़ी देर एक्सरसाइज करेगा तो टीवी देखने को मिलेगा, इसलिए वरना ये आजकल करता ही नहीं है। पहले एवरीडे मैं उससे करवाती थी बट स्कूल की वजह से अब हो ही नहीं पाता है। एंड फ्राइडे है तो ऑगी को तो मैगी खानी ही खानी है, तो मैगी के बिना उसका फ्राइडे जो है कम्प्लीट नहीं होता, तो मैगी बना दी है। चलिए देखें भाई सब क्या कर रहे हैं। कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी 9 बज रहे हैं, मैं ऐसे शिफ्ट में ब्रेकफास्ट हो रहा है, सो ऑगी को बना के दे दी थी उसकी मैगी। फ्राइडे है तो मैगी तो खाना ही है, और मैं ओट्स खाने वाली थी तो मुझे बनाना के साथ ही ओट्स अच्छे लगते, तो बनाना लेने के लिए फिर सुपरमार्केट जाना पड़ा। जाकर आई हूँ, अभी रेडी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट एंड अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद पूरा काम पड़ा है, क्लीनिंग वगैरह सब करनी होती है फ्राइडे को तो। और मेरे हस्बैंड जब उठेंगे तब उनका ब्रेकफास्ट बनेगा, क्योंकि वो कल डिनर पे गए थे, उसके बाद आने के बाद ऑफिस का काम कर रहे थे तो लेट हो गया था सोने में, तो आराम से जब भी उठेंगे उसके बाद ही बनाऊंगी मैं। सो ऐसे 3 अलग अलग ब्रेकफास्ट हो रहे हैं आज, और चलिए फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरा सुपर हेल्दी यमी ब्रेकफास्ट जो मुझे बहुत पसंद है, तो यही खाने का मन था आज मैंने, इसलिए यही बनाया है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। सो ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ यार। जब मेड पहले मेरी वैक्यूम से पूरा घर क्लीन करती थी तो वो रोज ही कारपेट क्लीन कर देती थी, बट अब ये होता है कि जब वो आती है तब ऑगी की क्लासेस चल रही होती हैं, मेरे हस्बैंड की मीटिंग चल रही होती हैं, तो इस वजह से क्या है कि वैक्यूम से बहुत ज़्यादा साउंड आता है तो हो नहीं पाता, तो मैं उसको मना करती हूँ वैक्यूम करने के लिए, तो अब ये मुझे करना पड़ता है। तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करती, जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तभी जाकर करती हूँ, क्योंकि इसकी साउंड इतनी इरिटेटिंग लगती है। क्लीन करने में तो कुछ नहीं, बट साउंड के इरिटेशन की वजह से ना करने का मन ही नहीं करता। तो फाइनली आज बहुत ज़्यादा गंदा लगा मुझे ये कारपेट, तो मैंने सोचा कि चलो आज क्लीन कर दिया जाए। सो बस हो रही है क्लीनिंग फटाफट से। सो क्लीनिंग डन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में कुकिंग करने के लिए। पहले कुकिंग करूँगी, उसके बाद जाके आराम से नहाऊँगी, तो टेंशन नहीं रहता है कि कुकिंग भी करनी है ये भी करना है, तो बराबर से कुकिंग कर लूँगी। कुछ नहीं बन रहा है आज, सिंपल सी एग करी बनाऊँगी एंड राइस बन रहा है, और कल के कुछ कुछ बचा हुआ था वो रखा था तो उससे काम चल जाएगा। तो मैंने चलिए आपके साथ रेसिपी जो है मैं शेयर कर दूँगी। तो मैंने 2 एग्स है, उसको थोड़ा हल्के से तेल में पहले फ्राई करना है, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ले लिया, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। सो एग जो है फ्राई हो गए हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी, सो अब ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, उसके बाद बारीक कटे हुए अनियन में ले रही हूँ, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, एंड इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमारे प्याज भी भून गए हैं, तो मैं 2 ग्रीन चिली कटी हुई बीच से डाल रही हूँ, और टमाटर एंड मैंने सारे मसाले ले लिए, धनिया, जीरा, रेड चिली एंड हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट, ये सारा अच्छे से मिक्स करके हम इनको अच्छे से कुक कर लेंगे। एंड उसके बाद जब मेरे मसाले भून गए हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला एंड देन पानी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा बहुत ही रनी पतला सा ग्रेवी बना रही हूँ, आप थिक भी बना सकते हो, उसमें पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं पोटैटो स्किप कर रही हूँ। एंड इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए, उसके बाद हम इसमें एग्स ऐड कर देंगे। एग्स मैंने बीच बीच में से थोड़ी सी कट लगाई है ताकि इसमें सॉल्ट अच्छे से चला जाए और मसालों का फ्लेवर भी। सो बस ये अच्छे से बॉईल हो जाए और उसके बाद हमारा हो जाएगा रेडी। 12:30 हो गए हैं और बन गया मेरा लंच, काम भी हो गया, बस राइस बनाने बन रहे हैं। सो लंच भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो बड़ी फटाफट काम करी, बहुत ज़्यादा काम किया और हालत ख़राब हो गई। अब बैठूँगी, अब करूँगी लंच, मेरे को भूख लग रही है बहुत।
तो अभी मेरा लंच का टाइम हो रहा है एंड ये लोग तो अभी तक नहाए भी नहीं है, अपना बस खेलने में लगे हुए हैं। ये एग करी रेडी है, राइस यहाँ बन रहे हैं और दाल कल की बनाई थी वो अभी भी रखी है क्योंकि रात को मैंने भी नहीं खाया दाल वगैरह, ऑगी ने तो खाया ही नहीं और इसके बाद इसके पापा तो चले गए थे डिनर पे तो वो यूज़ हो जाएगी आज। सो ऐसे सिंपल सा लंच हो गया है, बना लिया है आज। तो चलिए पहले लंच करते हैं उसके बाद मिलते हैं। आज फिर से इनका कुछ क्राफ्ट DIY लेके बैठे हैं, कुछ हाउस वाला जो बनाते रहते हैं ये लोग हमेशा, बोट वगैरह वही सब बना रहे हैं। और मैं तो चली आज थोड़ी देर सोने के लिए, थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ। मैं अकेले आ गई हूँ वॉक पे, कोई भी नहीं आया मेरे साथ, दोनों अपना PS4 खेलने में बिज़ी थे, अपना वीडियो का मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। तो मैं अकेले आ गई, बहुत वॉक कर लिया, ऑलमोस्ट 15,000 के ऊपर चले गए हैं। तो अब घर चलना चाहिए, 6:35 हो रहा है और लोग भी कम है वीकेंड होने की वजह से। तो चलिए हम घर चलते हैं, डिनर भी बनाना है, देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो फटाफट से घर चला जाए और घर जाकर मिलते हैं। सो घर आते ही सबसे पहले मैं अपना डिनर की तैयारी में लग गई हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, जल्दी खा लेते हैं 7:30 बजे। तो पहले ये प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि मैं सिंपल से जो आटे का वो चीला जैसा होता है मीठा वाला, काफ़ी बार देखा होगा आपने, मैं बनाती रहती हूँ तो वो बना रही हूँ क्योंकि कुछ और समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो वीकेंड में अगर कुछ समझ में ना आए तो ये बना देती हूँ। ऑगी तो पैनकेक्स बोल के खा लेता है, उसमें थोड़ा सा हनी डाल दो ऊपर से, बहुत खुश होके खा लेता है, तो वही बना रही हूँ। सो इसमें कुछ भी नहीं लगता, बस आटा लिया थोड़े उसको पानी से अच्छे से घोल लिया और जैगरी ऐड कर देती हूँ, शुगर मैं नहीं ऐड करती हूँ बिल्कुल भी। सो गुड़ डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और घी से बनाइए, बहुत ही यमी लगता है। मेरा तो डिनर ऑलरेडी हो गया था, डिनर करने के बाद ही मैं वॉक पर गई थी। सो इनका बना देती हूँ फटाफट से, फिर हो जाएगा इनका भी डिनर रेडी। जब तक ये मैंने घोल बना के रखा हुआ है तब तक, ओह माय गॉड कितने सारे बर्तन हो गए, पहले ये क्लियर करना था, उसके बाद जाके अब मैं ये रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने में गुड़ को टाइम लगता है, तो अब मैं इनका बना रही हूँ डिनर। तो डिनर बनाते बनाते अचानक मुझे याद आया कि ऐसे ही बहुत सारा टाइम है तो कुछ काम कर लिया जाए। तो मेरा ये ड्रेसर है, इसके ऊपर का जो ड्रॉर है वो मतलब 2-3 महीने से मैं सोच रही हूँ क्लीन करने का, बट हो ही नहीं पा रहा है। तो आज सोचा कि चलो उसको निकाल के थोड़ा सा क्लीन किया जाए जब तक उधर बन भी रहा है, क्योंकि वो एक एक करके बनता रहेगा तब तक खड़े रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो तब तक मैं फटाफट से अपना ये क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने अपने ड्रेसर का सामान खाली किया, वैसे इनका कुछ ऑफिस का इम्पॉर्टेंट कॉल और मीटिंग वो कुछ आ गया, तो अब वो वहीं पे ड्रेसर के पास ही उनका टेबल है तो वहीं पे बैठ के करते हैं। अब मैं पता नहीं वो सामान कब रखूँगी, क्या करूँगी, तो अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाद में करूँगी वो सब, बस डालना है क्लीनिंग करके अच्छे से। सो देखते हैं बाद में करूँगी वो सब। सो डिनर वगैरह सब हो गया, काम ख़त्म हो गए, अब बस चल रही है सोने की तैयारी। एंड चलिए फिर आज का ब्लॉग करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।